नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो आप अपने आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक किस तरीके से करा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपने जो आधार कार्ड के साथ बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर अपना PF वगैरह निकालते हैं तो आप PF वगैरह भी नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जो है आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है uidi.gov.in। उसके बाद आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप बुक एंड अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करते हो, इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो बुक एंड अपॉइंटमेंट को, इसमें जो अपडेटेड आप करा सकते हैं और नेम अपडेट करा सकते हैं, एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, कुछ भी आप जो अपडेट कर सकते हैं। जो अपडेटेड सेंटर हैं वो आपको दो चलाते हैं, एक रजिस्ट्रार रन कराते हैं और एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो वहाँ पर जो है जो प्रोसीड बुक अपॉइंटमेंट आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो है अपनी एरिया का कोई भी जहाँ पर अदर सेंटर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आगरा संजय पहले सेलेक्ट कर लिया और प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर लिखा है आधार अपडेट। तो आधार अपडेट करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड है कैप्चा कोड डालेंगे और आप जो है जनरेट OTP करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं और ये कैप्चा कोड डाला और जनरेट OTP कर देते हैं। जैसे जनरेट OTP करेंगे हमारे पास एक OTP आएगा, यहाँ पे अपना जो है एक OTP डालेंगे जो आपके पास मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है। तो वेरीफाई OTP करेंगे। जैसे आप वेरीफाई OTP करते हैं तो हमारा देखो अभी हमारा जो है OTP वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपको वेरीफाई OTP हो जाता है, यहाँ पर आप जो देखो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। यहाँ पर अपॉइंटमेंट टाइप अपडेटेड है, नीचे इसमें आधार कार्ड नंबर डालेंगे अपना और उसके बाद आप जो है आधार कार्ड के नाम है जो आपका नाम जो आधार कार्ड पर नाम है वो नाम डालेंगे। इसके बाद आप जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप है क्या, वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है वो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आपको जो है स्टेट है, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी अपॉइंटमेंट लोकेशन का जो स्टेट है वो स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना जो है सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करने में जैसे मेरा सिटी है आगरा, तो मैं चलो मैं आगरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर नीचे आधार सेवा केंद्र, तो चलिए फिलहाल मैं अपना जो वहाँ पर जो है सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और सिटी पहले नंबर पे हमारा आगरा आ गया। और इसके बाद हमारा सेवा केंद्र जो आपके जो आगरा में जितने भी सेवा केंद्र होंगे आधार सेवा केंद्र होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो कर देंगे। और इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप ऊपर देख सकते हो सेलेक्ट फील्ड टू बी अपडेट, जो कुछ भी आपको अपडेट कराना है अपना नाम जेंडर नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, तो हमको फिलहाल अपना मोबाइल नंबर करना है और मेल आईडी अपडेट करानी है। तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देखो एक ऊपर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है एडिट कर सकते हैं और अपनी जो है मेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मेल आईडी डालने के बाद हमको क्या है अपना नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो डेट है आपको भी बुक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, जिस भी डेट में आपका जो स्लॉट अवेलेबल होगा वो आप स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल कर लेंगे। तो फिलहाल हम चेक करते हैं किस डेट को हमारा जो है स्लॉट अवेलेबल है। तो आप जितने भी आपको रेड में दिखा रहे हैं वो आपका स्लॉट अवेलेबल नहीं है, सभी स्लॉट बुक हैं, कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। तो हम यहाँ पर अलग अलग चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 29 हमने सेलेक्ट किया, 29 को सेलेक्ट किया, तो 29 को आप देख सकते हो कई सारे स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये 29/8 को कोई नहीं है, 29 को जो। तो इसमें जब भी आप टाइम सूटेबल है उस टाइम पर आप पहुंच सकते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर लिए। जैसे हम यहाँ पर देखो 11:30 से लेकर 12:10 के लिए कर लिया, तो आप देख रहे हो 29 फ्राइडे और आपका यहाँ पर जो एड्रेस आपको दिखा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपकी जो है शो हो रही हैं, ASK डॉक्यूमेंट बेस्ड और जो है डेट है आपकी, और नीचे आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी शो हो रही है मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद हम इसको जो है सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको ये देखो जो बॉक्स आएगा इसमें आपको पूछेगा जो डिटेल्स आपने जो मेंशन की हुई हैं सभी करेक्ट हैं, एक बार चेक कर लिए, अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं वो आपकी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो हम इसको ओके करेंगे।
जैसे आप इसे ओके करते हैं, ओके करने के बाद हम जो है यहाँ पे जो एक ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट क्लियर, तो प्लीज़ मेक पेमेंट टू कंप्लीट द अपॉइंटमेंट। इसके बाद हमको जो है कि एक 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, आपको ऑनलाइन पे करना चाहे तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन मिलता है पेयू का। अगर पेयू पर आप सेलेक्ट करते हैं, पेयू पर आप सेलेक्ट करते हैं तो पेयू में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है। तो हम यहाँ पर जो है UPI सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे या डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वो भी आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप UPI पर क्लिक करते हो और मेक पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको जो है कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, भीम UPI और पेटीएम, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ भीम UPI डालेंगे और अपना यहाँ पर जो UPI ID है वो UPI डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको जो भीम UPI है उस पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पर जस्ट क्लिक करके आप अपना जो पेमेंट कर देंगे। जैसे आप एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं आपके पास ये विंडो चेंज हो जाएगी और ये पेज आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जनरेट OTP रिसिप्ट आएगा और दूसरा आएगा जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं आप जनरेट पेमेंट रिसिप्ट के लिए क्लिक करते हैं तो आप जो पेमेंट की रिसिप्ट है ये आपकी यहाँ पर जो है डाउनलोड कर ले सकते हैं प्रिंट पर, और ये हमारी जो है PDF फॉर्म हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म है तो यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हो पूरी आपकी जो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपको सेव हो रही हैं। हम इसको भी अब जो एक PDF फॉर्म है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स हैं, ये हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। आप इस डेट पर जो बुक अपॉइंटमेंट बुक की हो उस डेट पर आप आधार साइट सेंटर जाएंगे और किसी का आपको वेट नहीं करना, आप जस्ट वहाँ पर अपना जो है बायोमेट्रिक स्कैन देने देंगे और आपका आधार नंबर और आपकी मेल आईडी है 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट हो जाती है। और फिर उसके बाद अपडेट होने के बाद आप इजीली उसको जो है ऑनलाइन ही आप जो है उसको आधार कार्ड को अपने को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।